आज हमें एक जगह इकट्ठा होने का अवसर दिया और मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु ही एक ऐसा संसार में जो किसी की जाति नहीं बदलता, किसी के धर्म को नहीं बदलता, लेकिन वो उसके हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने बीते दिनों में, बीते जीवन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं अपनी प्रशंसा कर सकूं या अपने बारे में बता सकूं कि मैं एक ऐसी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था जो नशे पते में डूबा हुआ, एक स्मेल को छोड़ करके मैं सारे नशे करता, जो मिल जाता था वो नशा करता था। प्रतिदिन शराब पीने की मेरी आदत पड़ गई और मैं जर्दा खाता था। मैंने 1996 से लेकर के 2016 तक मैंने 20 साल कंटिन्यू जर्दा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मेरे तक परमेश्वर का वो सुसमाचार पहुंचा और यहाँ के पास्टर भवानी सिंह जी ने मेरे लिए प्रार्थना की, दुआ की, उनके पूरे परिवार ने मेरी काउंसलिंग की। 3 दिन तक मैं चर्च में था और मुझे बहुत बड़ा और अद्भुत छुटकारा मिला। मैं नशे पते से छूट गया और आत्मिक रूप से भी मुझे चंगाई मिली। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक परमेश्वर की उस सच्चाई को, उस अद्भुत सच्चाई को मैंने जाना कि इस संसार में एक सच्चा और जीवता परमेश्वर कौन है। ये हम दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं जो इस परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की उस महिमा को मैंने मेरे जीवन में देखा। मैंने बहुत सारी गवाहियां देखी, मैंने लोगों को बदलते देखा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को बदलते देखा जो हत्या करते थे, मारपीट करते थे, व्यभिचार करते थे, उन लोगों की मैंने गवाहियां देखी और परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी वही काम किया और मुझे उस ऐसी घटिया जिंदगी से मुझे फिर से खड़ा किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो कोई भी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और उसे अपना मुक्तिदाता मानता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है, उसको बदल देता है। उसकी जाति और धर्म से परमेश्वर को कोई आपत्ति नहीं कि आप किस धर्म से, किस जाति से, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में वो बुराइयां नहीं देखना चाहता है, वो पाप की जिंदगी नहीं देखना चाहता है, क्योंकि हम पाप के साथ, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। मेरे जीवन में जो भी पाप थे परमेश्वर ने क्षमा किए और मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम हुआ। तब से मैंने मेरे जीवन में परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। मुझे वो डेट आज भी याद है, 28 अप्रैल 2016 को मैंने प्रभु को जाना और 18 सितंबर 2016 को मैंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया और उसके बाद में मैंने जीवन की शुरुआत की और तब से लेकर मैं आज दिन तक चलता। मेरा परिवार मेरे से दूर था। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे पागल भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या है, ईसाई बन गया है, वो बन गया। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर जो है इस संसार में केवल केवल आपके जीवन को बदलना चाहता है। आपके जीवन में कोई भी पाप नहीं देखना चाहता है और वो चाहता है कि हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ, यही मेरी एक गवाही है और जिसके द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, मैं वही बता रहा हूँ। और आज इस चर्च के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, उनके पास में बहुत सारी गवाही, अगर मैं मेरी गवाही बताऊं तो बहुत सारी गवाहियां मेरे जीवन में, लेकिन ये गवाही जो मेरे जीवन में, मैं पढ़ा लिखा होने के बाद में लोग सोचते होंगे कि एक साइंस पढ़ा हुआ आदमी, बीएड करा हुआ आदमी एक ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साइंस के पास में भी बहुत सारे उत्तर नहीं है। साइंस भी अपनी जगह पर निरुत्तर हो जाती है और वो सच्चाई मुझे पता चली कि इस संसार में शरीर के मृत्यु के बाद में हमारी आत्मा का क्या होगा। तो हमें उस अनंत काल का भागी बनाने के लिए ही संसार में प्रभु यीशु मसीह आया। वो इस संसार में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुआ। ये इस बात का सबूत है, इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसने मृत्यु के ऊपर विजय पाई। वो जयवंत करता है और मनुष्य को केवल बाहर से नहीं बदलता है, उसके कपड़े लगते ये नहीं बदलता है, वो अंदर से बदलता है और जीवन बदलता है। तो लोग उसको देख करके बदल जाते हैं और वो जानना चाहेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। इसी के साथ मैं अपनी गवाही समाप्त करूंगा। धन्यवाद।